मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? आज आपका बर्थडे है। हर बार मैं आपको फोन करके विश करता हूँ, पर इस बार सोचा कि सामने आके आपको विश करूँ। क्या कहूँ आपके बारे में? मराठी में कहते हैं कि ज्योति ने तेजाची आरती। मैं एक ज्योत भी नहीं मैम, मैं एक छोटी सी चिंगारी हूँ और आप एक तेजोमय सूर्य हैं। उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अपना तेज हम लोगों के अंदर बांटा। जो चिंगारी का जो प्रकाश है वो आपके तेज की वजह से है मैम। बहुत खुशनसीब हैं हम लोग कि हमें आप जैसे गुरु मिले, और मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि ये जो गुरु हैं आप, मुझे आपके शिष्य को मास्टर जी करके बुलाते हैं। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं आपने जो भी सिखाया आज तक नहीं भूला और ना भूलूंगा। आज तक हर पल हर क्षण उसका इस्तेमाल होता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो आपने सिखाई और मैंने इस्तेमाल नहीं की, या मेरे डे टू डे लाइफ में, चाहे वो मेरे एक्टिंग के करियर में हो या एज ए ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल नहीं हुई हो। हर चीज़ आपने जो सिखाई वो इस्तेमाल हो रही है, और वो मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत हेल्प करती है। और मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा इंसान आप जैसे गुरु बनाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका आभार मान के, आपको थैंक यू बोल के, जो आपने किया है वो कम नहीं करना चाहता, पर मेरी तरफ से यही गुरुदक्षिणा रहेगी कि आपका नाम कभी ख़राब नहीं करूँगा मैम। हमेशा कहूँगा और गर्व से कहूँगा कि मैं रीटा मैम का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय मेंटोर। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी बर्थडे मैम। लव यू मैम, थैंक यू।